महानगर के ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम संबंधित बैठक एडीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीएम विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, जीडीए वीसी प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार, संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर गहन मंथन किया गया, जिसमें 21 चौराहे स्मार्ट कैमरे लगाने और 13 चौराहों पर ऑटोमेटिक रेड लाइट क्रॉस करने पर ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम भावसी वर्मा है। मैं ये प्रोजेक्ट्स में एज ए सीनियर डिलीवरी मैनेजर काम कर रहा हूँ। मेरे इमीडिएट लेफ्ट मिस्टर ब्रजेंद्र कुमार जी हैं, वो एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर सत्येंद्र पाल सिंह जी है, वो ये प्रोजेक्ट में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं। और यहाँ सर आईटीएमएस प्रोजेक्ट अंडर स्कीम नेम स्टेट स्मार्ट सिटी, प्रोजेक्ट नेम आईटीएमएस गोरखपुर बाय सीआरबी पीएचडी, एग्रीमेंट विद एमएसआई 1400 ओबीसी 10 अगस्त 2021। सर ये प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है 7 मंथ प्लस 14 डेज, वो हमें 7 मंथ में कंप्लीट करना है एंड उसके बाद 5 साल का एंड टू एंड ऑपरेशनल मेंटेनेंस का ये ध्यान है। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम का सारे सॉफ्टवेयर और कॉन्टेक्ट सिटी सेंटर्स का स्पीड डिटेक्शन सिस्टम ई चलान एंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर फॉर द अडॉप्टेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। सिटी वाईफाई सर 150 सिटी वाईफाई में 150 एक्सेस पॉइंट लगाने का काम करना है। टोटल 150 अक्रॉस द सिटी 3 लोकेशन पर भी प्लान कर रहे हैं, बट जितने भी जंक्शन है उसके ऊपर भी हम सोच रहे हैं कि दो दो एपी लगा के उसको और कवर किया जाए सिटी को। ई एंड ई सी भी है, वो जंक्शन पे लगेंगे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एंड इमरजेंसी कॉल बटन, वेरिएबल मैसेज साइलेंस बोर्ड है 5 जंक्शन पे, VMB वेरिएबल मैसेज साइलेंस बोर्ड लगाना है एंड सब फील्ड कनेक्टिविटी है, एंड टू एंड सारे लोकेशन पे फील्ड कनेक्टिविटी रहेगी और वो सारी फील्ड कनेक्टिविटी है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे टर्मिनेट होगी एंड फ्रॉम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टू DR और DC जो लखनऊ में बनने वाला है वहाँ पे कनेक्ट होगा और सारे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट लखनऊ पे ही होने वाला है। सो सर ये गोरखपुर नगर निगम आईटीएमएस प्रोजेक्ट्स के मेन कंपोनेंट का सामने है। ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नलिंग जो है 21 लोकेशन पे लगने वाले है, RLVD और NPR कैमरास वो 13 लोकेशन पे लगने वाले है, स्पीड डिटेक्शन सिस्टम दो जंक्शन आउट ऑफ 21 सारे जंक्शन पे लगने वाले है, इमरजेंसी कॉल बटन है वो भी 21 लोकेशन पे से लगने वाले है, वेरिएबल मैसेज साइलेंस बोर्ड 5 लोकेशन, सिटी वाईफाई 3 एंड ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स 1 है। ये जो कैमरा फिक्स्ड है मार्क नहीं है इसमें, सर्वेलेंस प्रोजेक्ट नहीं है। इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही है ना सर, जो भी स्मार्ट सिटी में अभी बन रहा है वो PTZ कैमरा लगा है सर, सर्वाइडेशन PTZ से क्या PTZ कैमरा से कैसे पुलिस के माध्यम से गया था जो सेफ्टी वाला वो तो काफी वो नहीं है सकता ना, वो दूसरी कटिंग दो बार लगाना, दो बार आपको जंक्शन के ऊपर डिप्लॉयमेंट, दो कंट्रोल रूम थोड़ी बनी, ये मेन चौरा है वो कोई झूठा नहीं है। पॉइंट पे अभी आपने आइडेंटिफाई किया तो बताइए।
और नगर निगम भी कुछ दौरा ले ले जो डी डिजाइन करते हैं उसमें ट्रैफिक का पॉइंट करें और सुंदर भी दिखे और एक्चुअली वहाँ पे पेडेस्ट्रियन मूवमेंट और एक जगह एक स्पॉट पे यही रोड कटिंग करके रोड रिफिल करेंगे जहाँ उनको पॉइंट साइड में मिलेगा सड़क के बगल में या पट्टी पे वहाँ पे वो लोग अपना कैमरा लगाएंगे जहाँ पे पोल्स हैं या उसी पे पोल पे वो तो इतना नवंबर तक फर्स्ट फेज हो जाएगा और 7 महीने में गोरखपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आज बैठक की गई है जिसमें हमारे एडीजी सर और कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में इस बैठक की गई है और इसमें गोरखपुर में पहले राउंड में जो है 21 चौराहे पर ये काम करना शुरू किया जा रहा है। इसके बाद जो है पूरे के पूरे सिटी में 64 सारे चौराहे को सभी को सम्मिलित किया जाएगा कि हर और काम करना शुरू हो चुका है। हमारा कंट्रोल रूम जो है नगर निगम में है उसका काम भी लगभग हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कुछ चौराहे पर जो है 30 नवंबर तक कुछ काम हो जाएगा। तो क्या लगेगा सर इसमें जो सिस्टम लागू होगा? अभी सिस्टम लगेगा तो इसमें मेन चीज़ें हमारे गोरखपुर में जाम से के अलावा जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं अगर खासकर रूल्स तोड़ने वाली चाहे उसमें हेलमेट से लेके जो है पार्किंग और इस तरह की तो उस पर भी जो है चालान वगैरह की कार्रवाई भी की जाएगी जिससे जो है थोड़ा सा सुधार भी होगा और लोगों में जो जागरूकता है वो उसमें भी लाभ मिलेगा।